पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बच्चों को न्याय दो, मेरे बच्चों को न्याय दो, मेरे बच्चे निर्दोष है, मेरे बच्चे निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे वो, किसी को बचाने के लिए, किसी को छुपाने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। कि कुछ भी कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए बस। जब उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द बस रिलीज करें। व्यापारी कुशांक गुप्ता हत्याकांड के खुलासे को लेकर मुरादाबाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिविल लाइंस के पौश इलाके रामगंगा बिहार में 5 दिन पहले हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने खामोशी के साथ 2 नामजद भाइयों प्रियांशु और हिमांशु को जेल भेज दिया था। परिजनों के साथ ही पुलिस महकमे के सूत्र भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि घटना के वक्त दोनों नामजद भाई बिजनौर के नूरपुर कस्बे में अपने घर पर थे। पुलिस घटना की रात 1:30 बजे जब इनके घर पहुंची तो दोनों भाई सोते हुए मिले थे। पुलिस ने 4 दिन हिरासत में रखने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रियांशु के परिजनों ने सोमवार को मुरादाबाद पहुंचकर अंबेडकर पार्क में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जेल भेजे गए प्रियांशु और हिमांशु की मां और अन्य परिजनों ने अंबेडकर पार्क में परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके बेटों की बेगुनाही का सबूत उनके घर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर में है, जिसे सिविल लाइंस पुलिस घटना की रात ही अपने साथ ले आई थी। पुलिस पूरी डीवीआर को चेक कर चुकी है। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने डीवीआर देखकर ये पुष्टि भी कर ली है कि घटना के वक्त प्रियांशु और हिमांशु घर पर ही थे। इसके बावजूद दोनों को व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या में जेल भेज दिया गया। बच्चे निर्दोष है, मैं ठाकुर जी को साक्षी मान कर कहती हूँ, मेरे बच्चों ने कभी चीटी तक नहीं मारी तो इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। मेरे बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, डांसर मौजूद है, दूध वाला दूध लेकर आया था, उससे ढोलची ली। मेरे बच्चे बहुत अच्छे निर्दोष है, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे गलत संस्कार नहीं दिए, ऊंची आवाज में कभी बात भी नहीं करते मेरे बच्चे। पूरे नूरपुर में उन बच्चों की जानकारी ले सकते हैं, मेरे बच्चों कभी गलत काम करते ही नहीं। मैं सच्चे दिल से अपने ठाकुर को साक्षी मानती हूँ, मेरे बच्चे निर्दोष हैं, मेरे बच्चों को बाहर निकालो। झूठे आरोप में मेरे बच्चों को फंसाया गया, मैं नहीं जानती, मैं अपने भगवान को जानती हूँ, मेरा भगवान सच्चा है, मैं सच्ची हूँ, मेरे बच्चे सच्चे हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गोयल, वाइफ ऑफ हिमांशु गोयल। अच्छा, किस लिए पहुँचे हैं, क्या है सर? मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को, दोनों को एक झूठे मर्डर केस में फंसाया गया है, जिसकी जो जानकारी है हमें वो भी रात को मिली जब पुलिस हमारे घर आई थी। उन्होंने बताया कि इन पर चार्जेस लगाए हैं, FIR दर्ज की है इन दोनों के नाम से, इन्होंने एक मर्डर किया है। तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या चाहते हैं आप सर? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो चीज़ उन्होंने, जो क्राइम उन्होंने कमिट ही नहीं किया है, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। पहले पुलिस लेके गई, पुलिस ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने पूछा कि कब तक इन्हें यहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस, जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें सामने लाए और उन्हें रिलीज करें। बस एक फेयर जस्टिस चाहिए हमें सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं आप पर, आपके हस्बैंड पर और देवर पर, उसमें क्या कहना है आपको? वो क्लियर है बिल्कुल, फंसाया जा रहा है उन्हें। जब वो हमारे साथ मौजूद है, वो जाके मर्डर कैसे कर सकते हैं? जो FIR उनके फादर ने उनके नाम से दर्ज की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे ने मरते समय मुझे बताया कि प्रांशु ने गोली चलाई, हिमांशु उसके साथ बैठा हुआ था, वो दोनों गोली मारकर बाइक से भाग गए। ये जो स्टेटमेंट है उनके बेटे ने उनके फादर को दी थी। कोई इंसान जिसको गोली लगी है पीछे से, वो कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकता है? बीइंग अ डॉक्टर, मुझे पता है जब गोली सर में लगती है इंसान का बचना मुश्किल होता है, वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो उस वक्त कहाँ थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड शॉप 7:15 बजे उन्होंने बंद की, वो घर पर आए। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी है 23 जनवरी की, उसकी तैयारियां चल रही थी, घर में डांस प्रैक्टिस हो रही थी, वो लोग उस समय वहीं पे थे मेरे साथ, हमारा पूरा परिवार, सब लोग साथ में थे। क्या लगता है जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है? मैं पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अभी भी कोऑपरेट कर रही हूँ, बाद में भी कोऑपरेट करूँगी। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द बस रिलीज़ करें। आप लोगों के माध्यम से बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें वो लोग। किसी को बचाने के लिए,
किसी को छुपाने के लिए कि बस उन्हें जेल भेज दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। मेरा नाम पंकज गोयल है, मैं नूरपुर का रहने वाला हूँ, जनपद बिजनौर का। यहाँ मुरादाबाद किस लिए आए, क्या कारण क्या? मुरादाबाद आने का कारण ये है कि मेरे दोनों बेटों को जो है वो झूठे केस में फंसाया गया है, जिसमें कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जिस टाइम उनको पुलिस लेके आई, वो नूरपुर अपने निवास पर उपस्थित थे, सो रहे थे। पुलिस उनको जाकर उठा के लेके आई है। उन्हें बताया गया बाद में कि उन पर एक कत्ल का मुकदमा लगाया गया है। क्या है, क्या मामला क्या है, किस मामले में उठाया? कुशांग गुप्ता हैं ये, मुरादाबाद के रहने वाले। उनका कत्ल हुआ है 12 तारीख की रात को। उस केस के अंदर उनके पिता ने, किस कारण से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके मेरे बेटों के नाम हिमांशु और प्रांशु के नाम जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि मेरे दोनों बेटे निर्दोष हैं। हम सारा परिवार जो है उस टाइम पर एक साथ घर पर उपस्थित थे, उसके साक्ष्य प्रमाण हमारे पास हैं। हमारा DVR भी जो है वो पुलिस लेकर आई है, वो उनके पास अभी भी मौजूद है। तो आपने कहीं किसी पुलिस अधिकारियों की शिकायत वगैरह की है कुछ? जी, हमने, क्योंकि पुलिस मुझे भी साथ ले आई थी, तो मेरी पत्नी और मेरी जो पुत्रवध हुए हैं हिमांशु की मिसेज, वो दोनों कमिश्नर साहब से और DIG साहब से मिले, SSP साहब से मिले। तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आशा अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जब अधिकारी ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको जेल क्यों भेजा गया, ये सवाल हमारा भी क्वेश्चन यही है कि जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके बाद उसी दिन उनको जेल भेजना क्यों जरूरी हो गया? क्या कारण है, किस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं, परिवार हो या कोई भी? किसी तरह कोई आरोप सिद्ध हुआ या क्या कहकर उन्हें? कोई आरोप किसी तरीके का उन पर सिद्ध नहीं हुआ। उनकी कोई प्रेजेंस, उनकी कोई लोकेशन इस तरीके की ट्रेस नहीं हुई कि वो घर के बाहर भी मौजूद थे। मोबाइल उनके अभी तक पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। यदि कुछ भी है, वो तो मोबाइल भी यदि नहीं होते तो भी वो उसकी लोकेशन खंगाल लेते या कॉल डिटेल सब मिल जाती। कुशांग के पिता ने आपके बेटों पर आरोप क्यों लगाया, क्या विवाद चल रहा था? हमारा उनसे वैसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने वॉक्स्टर के नाम से कैफ़े उनकी जगह में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उसमें तोड़फोड़ की थी, तो नवंबर के महीने में उन्होंने जब वो मारपीट की थी, तो उसके बाद उसमें दोनों तरफ से NCR हो गई थी, तो फिर हमने वो कैफ़े वहाँ से बंद कर दिया। नहीं तो आपको क्या लगता है, फिर आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगाया गया बेटे को? देखिए, मैं इसको इसलिए विशेष तौर पर नहीं कह सकता, अभी उन्होंने अपने मन से वो चीज़ नहीं निकाली है, लेकिन हम इस चीज़ को अपने आप से बहुत दूर कर चुके हैं। हमारा ऐसी कोई सोच नहीं थी, और हत्या के बारे में तो हम कभी तक सोच नहीं थे। मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो आप सारे में उनके पता कर सकते हैं। अब मुरादाबाद के अंदर वो रह के गया है, जहाँ कैफे उसने चलाया वहाँ आसपास पूछ सकते हैं, आज तक किसी का उसका विवाद नहीं है। मारपीट जहाँ थी आपकी उन लोगों के साथ? जी हाँ, हाथापाई हुई थी। जी हमारे पास जो पुलिस DVR लेके आई है हमारा, उसके अंदर पूरे साक्ष्य मौजूद हैं कि हम वहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कैमरे लगे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, अभी वर्तमान में आपके पास कोई साक्ष्य है? वर्तमान में हमारे पास एक साक्ष्य है, क्योंकि आसपास के जो हमारे जो पड़ोस के हैं उनके अंदर तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन एक हमारे पास साक्ष्य ऐसा है कि 6:25 पर प्रांशु वहाँ मौजूद थे और 7:10 हिमांशु वहाँ मौजूद थे, और जब पुलिस DVR लेके आई है उस टाइम भी वो दोनों वहाँ मौजूद थे। 8:30 का ऐसे मेरे पास कोई सीधे को सबूत नहीं है, वो तो उनकी मोबाइल लोकेशन बाकी सब चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ये तो घर के अंदर उस वक्त मौजूद, बेटी की शादी है 23 जनवरी की, उसमें डांस प्रैक्टिस के अंदर ये लोग मौजूद थे, उसकी वीडियो जरूर हमारे पास है। उसी टाइम की है? किस समय की है वो? वो 8:10 के आसपास की वो वीडियो है, जो जिस वक्त वो डांस कर रहे हैं। जी जी, यानी वहीं पर मौजूद रहे? हाँ, वो वहीं पर मौजूद थे। अच्छा, जो पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस ने जेल भेजा, क्या पुलिस की कार्रवाई? पुलिस ने उसके अंदर अभी तक हमें तो जो CDR की कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई खुलासा किसी तरीके का कहीं भी कोई नजर नहीं आता है। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसका कारण ये कि यदि कुछ था, उन्हें विवेचना करनी थी, जब वो 2 दिन पुलिस वो कस्टडी में बिठाए रह सकते हैं, तो वो 2 दिन इंतजार कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी जो हुई है उसका कोई ना कोई विशेष कारण ऐसा जरूर है कि या तो किसी को बचाया जा रहा है या हमें फंसाया जा रहा है। मैं किसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये संदेहजनक है। आपने कहीं और कोई एप्लीकेशन दी होगी, शिकायत कहीं की होगी? नहीं, शिकायत हमने तो IG साहब के यहाँ और DIG साहब के यहाँ, SSP साहब के यहाँ, लगभग सभी के यहाँ की है, सभी के यहाँ, मतलब पब्लिक TV आपकी आवाज़।